सनम कहा था ना मैंने कि मैं चाहक है कैसे उसको मेरा को भी दिया अब उसके पास सारे सबूत है उसकी बीवी भी उसके सामने काम है अब वो कौन जाएगा मुझे बच्चे करके मेरे को ठीक नहीं का अब तो क्या कर क्या कर नहीं काव्य बोलो ना क्या कर क्या कर कुछ को हमसे कोई नहीं छीन सकता बिलीव मी अपने जीते जी मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी कुछ तुम्हारा बेटा है तो मैंने भी छह साल सीने से जीने से लगा के रखा है ऐसा कभी नहीं होने दूंगी ट्रस्ट मी हेलो डॉक्टर काव्या जी कहिए मैं डॉक्टर साहब तुम्हारी आंखें मुझे सब कुछ कह देती है तो देखो क्या हुआ कुछ नहीं मैं जाती हूँ तुम कल दिल्ली जा रही हो हाँ मेरी शादी जो हो रही है तुम्हारे साथ तुम जानते हो ना तुम मेरा हाथ नहीं पकड़ सकते जब तक कि तुम सात वचन नहीं ले लेते सात वचन शादी के सात वचन हे भगवान कैसा डॉक्टर है ये मेडिसिन के अलावा इसे कुछ पता ही नहीं डॉक्टर आयुष्मान जैसवाल शादी के वक्त पति अपनी पत्नी अपनी पत्नी को सात वचन देता है तो फिर पत्नी क्या करती है वो भी कसमें खाती है तो ठीक है ये सात वचन मैं तुम्हें अभी देता हूँ अभी तो कह रहे थे कि तुम्हें सात वचन के बारे में कुछ पता नहीं अब सात वचन कैसे दोगे पहला वचन मैं जिंदगी भर तुम्हें खुश रखूंगा यही है ना पहला वचन हाँ लेकिन ऐसे नहीं सबके सामने अकेले कहाँ है वो है ना हमारे साथ वो जो हमेशा रहेंगे चाहे हम रहे ना रहे मैं चांद सितारों के सामने तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा और मैं भी कसम खाती हूँ कि तुम्हारे सुख में दुख में मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा मैं तुम्हारा हाथ थाम कर हमेशा धर्म की राह पर चलूंगा और मैं हमारे घर को मंदिर जैसा बनाऊंगी भगवान ईश्वर खुदा जिन्होंने सारी दुनिया बनाई उन्होंने मुझे तुम्हारी जिम्मेदारी दी और मैं वचन देता हूँ कि जिंदगी भर हमारी सारी जरूरतें पूरी करूंगा मैं खुश हूँ कि मैं तुम्हारी पत्नी बनूंगी मैंने जिंदगी में किसी और को नहीं चाहा बस भगवान का आशीर्वाद पर हमेशा मेरी भी यही इच्छा है मैं तुमसे कभी कुछ नहीं छुपाऊंगा मैं भी हर काम तुम्हें बताकर और तुम्हें साथ लेकर करूंगा मैं भी तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलूंगी और सोनिया मैं आखिरी वचन देता हूँ कि पूरी जिंदगी में आयुष लगता कोई आया है तुम जाकर देखो मैं चेंज करके आता हूँ ओके
कैसे हो बोधी? कैसे हो बोधी? अच्छा अच्छा बोधी जी, ये तो बताइए, ये तो बताइए, गाय गाय, भैंस भैंस, कुत्ता कुत्ता, और शेर और शेर, इनमें से कौन अलग, अलग अलग तो अलग तो कोई भी नहीं है, सभी जानवर, सभी जानवर है। अलग मतलब, अलग मतलब नेचर में, नेचर सराउंडिंग में, शेर शेर, क्यों क्यों, क्योंकि 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 गाय गाय और कुत्ता कुत्ता, वो हम सब के साथ में रहते हैं, और शेर हमें खा जाते हैं, इसलिए इसलिए I told you no. He is improving very fast. See, he started applying his own logic. कैसे हो बोधी? तुम्हें पता है? हम सब तुम्हें बहुत मिस करते हैं। सच में। बोधी को कोई मिस नहीं करता। बोधी को कोई मिलने भी नहीं आता। मुन्ना भी मिलने भी नहीं आता। सोनिया भी मिलने नहीं आती। यू नो बोधी यहाँ आने के लिए ना परमिशन लेनी पड़ती है, इसलिए हम रोज नहीं आ सकते। नहीं तो आयुष तो आयुष रहता तुम्हारे पास। तुम्हारे पास उन्होंने तो शादी कर रहा है बोधी के बगैर, शादी कर रहा है वो बोधी को करता। नहीं बोधी, ऐसी बात नहीं है। मैंने कहा ना यहाँ आना मना है। देखो डॉक्टर भी कह रहे थे ना, तुम समझने लगे हो लॉजिक इस्तेमाल करने लगे हो तो सोचो जिस तरह से यहाँ से बाहर से जान नहीं जा सकते, हम भी यहाँ नहीं आ सकते, उन्ना भी नहीं आ सकता। लॉजिक्स तो मेरे आप से भी तेज है डॉक्टर, इसलिए तो बाहर निकलने की जल्दी है मुझे, लेकिन धीरे-धीरे चल रहा हूँ। दिल्ली? जी हाँ दिल्ली। कहना कि बहुत दूर है। हाफ टू कम, ओके? बस आपको आना पड़ेगा। हमारी पहली शादी जो कि मैं आऊँगी। पहली शादी जो है का मतलब? और शादियाँ करना चाहती हो? हर साल एक ये तुम्हारे दो दिन पहले ही आ जाना, जरूर आऊंगी तुम्हें तो मैं खुद सजाऊंगी। ग्रेट, मेरे सारे दोस्त सोनिया की पार्टी में चले गए। लगता अपनी बारात में मैं अकेले आऊंगा। कोई बात नहीं। चिंता मत करो। सोनिया को सजाने के बाद मैं तुम्हारी बारात में डांस करने जरूर आऊंगी। आज मैं मोदी से मिलने गई थी। कैसा है वो? तुम लोगों को बहुत मिस करता है। मैंने तुम्हारे मिलने की परमिशन ले ली है। हो सके तो आज चले जाना। देखा, ऐसे होते हैं दोस्त। मैं बोधी से आज ही मिलने जाऊंगा। थोड़ी जल्दी करो। अभी 6 बजे से 6 बजे तुम्हारी फ्लाइट है। ओके। तुम लोग चलो। मैं बाद में। बाय बाय। बोधी हम भी तुम्हें बहुत मिस करते हैं। और डॉक्टर कह रहे थे कि तुम बहुत जल्दी वापस आ जाओगे। जल्दी तो मुझे भी, लेकिन सिर्फ तुम्हारे पास आने की।
बुधी ये तुम्हारे लिए शादी में तो शादी में तुम नहीं आ सकते, लेकिन तुम हमेशा हमारे दिलों में रहोगे। अब हम चलते हैं, सोनिया को 6 बजे के गली के लिए निकलना है। अपना ख्याल रखना, बाय बाय। चार दिन बस 4 दिन, चार दिन में तुम्हें से बाहर भी नहीं निकल पाऊंगा। कोई और रास्ता निकालना पड़ेगा। काव्या, क्या बात है? कुश आजकल यहाँ नहीं आता मेरा। बेटा कहीं दिख नहीं। मैं कुश जैसे आदमी का साया भी नहीं पड़ने देना चाहती। काव्या, you forgetting मेरा बेटा। वो मेरा खून। Shut up। कुश में तुम्हारे एक कतरा भी नहीं। अच्छा? अगर कुछ का कोई रिश्ता है तो वो हमसे है। दीदी से इसलिए क्योंकि उसने जन्म दिया और मुझसे क्योंकि मैंने 6 साल बच्चे की तरह पाला है। और इस रिश्ते को कोई छुटला नहीं सकता। मयंक तुम कुछ कभी नहीं छीन पाओगे। तुम्हारी ये कभी पूरी नहीं होगी। ये तो वक्त ही बताएगा कि कुश के साथ तुम्हारी ममता का रिश्ता बड़ा है या फिर मेरे खून। और अब कैसे रहेगा चाचा? जब आएगा तो खुद ही देख ले। शेरवानी आयुष बेटा वो मैंने कहाँ जा रहे हो? माँ आयुष तुम सोनिया से शादी करना चाहते थे तो पहले बता देना चाहिए था। घर छोड़ कर जाना ये सब कहाँ जा रहे हो? वो एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंस पे जाना है मुझे। फिर तो बहुत जरूरी होगी है ना? हाँ, बहुत जरूरी है। और ये कॉन्फ्रेंस दिल्ली में होगी। अरे वाह, क्या गेस किया? दिल्ली में ही। ऐसे में आपने के बारे में सोचा? गेस क्या मुझे पता है ये कॉन्फ्रेंस कम से कम चार दिन तक होगी। अरे वाह, तो ग्रेट है। फिर तो आपको ये भी पता होगा कि शादी के दिन आपको वहीं मिलूंगा।
मुझे सब कुछ पता है। मुझे लेकिन मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ आयुष। क्यों माँ? क्यों? मैंने क्या किया? शादी की तैयारी में हेल्प करने के बजाय तुम कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहे हो। तुमने अच्छा नहीं किया आयुष। मैं जानती हूँ कॉन्फ्रेंस जरूरी है, जरूरी है। और तुम सोनिया को मिस कर रहे हो। मैं कुछ को प्यार के साथ एक अच्छी परवरिश, अच्छे संस्कार, अच्छा भविष्य देना चाहती हूँ। किसके भविष्य की बातें हो रही? अरे अरे क्या बात है? तुम दोनों इतने सीरियस के सीरियस क्यों हो? कुछ नहीं पापा, कितनी मर्तबा कहा कि शाम के शाम घूम आया करो, खुश रहा करो भाई। पापा, क्या आप खुश हैं? मुझे ये बताइए पापा कि आप कितने दिनों से कुछ नहीं मिले, क्योंकि कुछ बातें हैं पापा जो आप नहीं जानते। पापा भी तो जानते ही हैं कि कुश की माँ काव्या नहीं दिव्या है। हाँ। लेकिन पापा शायद आपको ये नहीं मालूम है कि 6 साल पहले सुनना प्लीज इट्स ओके मैं पापा 6 साल पहले मयंक और विजय के साथ शादी करना चाहते थे और कुछ मयंक का बेटा है और दिव्या पिछले 6 सालों से डांस बार में काम कर रही थी। अब दिव्या को वापस ले जाना चाहती है वो कुछ को वापस अपनी दुनिया में क्यों खुश यहाँ खुश तो है और फिर वहाँ उसका फ्यूचर क्या वो मानने को तैयार ही नहीं मैम ने तो यहाँ तक कहा कि कुछ हमारे साथ रह ले वो हम उसकी परवरिश करेंगे लेकिन तुम लोग क्या सोच रहे हो कुश का भविष्य बचाने के लिए क्या सोचा है तुम लोग? डॉक्टर काव्या आप हैं? जी कहिए आपके लिए लेटर है साइन। Thank you.
क्या है काव्य? क्या है काव्य? कोर्ट से समन से समझ है। मयंक ने कुछ की कस्टडी के लिए कोर्ट में अपील की है। अब हम क्या करेंगे? क्या करेंगे काव्य?